अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो आप लाइक ज़रूर किया करें और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें। तो जी व्यूअर, ये लास्ट वीडियो में हमने यहाँ पे सैम्पल लाइन क्रिएट किए थे, आज की वीडियो में हम इस पर अपने सेक्शन व्यू क्रिएट करेंगे। सेक्शन व्यू क्रिएट करने से पहले हम इस सैम्पल लाइन का थोड़ा सा इस सैम्पल लाइन को थोड़ा सा विजुअलाइज करेंगे। यहाँ पे मेरे पास ये सेक्शन व्यू है इसके, ठीक, जो कॉरिडोर हमने क्रिएट किया है, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं मेरे पीसी स्क्रीन पे कि इसके लास्ट हमने सेक्शन एडिटर में हमने इन सेक्शन का व्यू देखा था। इस दफ़ा मैं इस पे लिए प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर यूज कर रहा हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये सेक्शन जो है हमारा कैसे अपडेट हो रहा है इसमें, ठीक है, कैसे कैसे हमारी सरफेस चेंज हो रही है, ठीक है, हमारे सेक्शन व्यू जो है प्रॉपरली इसमें अपडेट हो रहे हैं। तो इसका दिखाने का मकसद यही है कि हम जो सेक्शन व्यू जो क्रिएट करेंगे, ठीक है, उसमें हमारे पास ये कॉरिडोर था और ये कॉरिडोर था और ये कॉरिडोर था। अभी इन को तीन कॉरिडोर के डाटा को हम यूज़ करते हुए अपने वॉल्यूम जो है, कट वॉल्यूम जो है, हम अपने वो क्रिएट करेंगे। तो मैं थोड़ा सा और आपको दिखाता हूँ इसमें इसका व्यू जो है ये कैसे अपडेट हो रहा है। आप लोग देख सकते हैं स्टेशन वाइज ये जो है कैसे डाटा जो है वो वेरी कर रहा है, ठीक है। ये देख सकते हैं आप लोग, ये बहुत अच्छे तरीके से जो है बना है कॉरिडोर हमारा, और अभी हम इसके सेक्शन जो है वो क्रिएट करेंगे। तो मैं इसको बंद करता हूँ। तो ये हमारा कॉरिडोर है, सैंपल लाइन ऑलरेडी हमने क्रिएट किए हुए हैं। अभी मैं जस्ट इन पे जो है अपने सेक्शन व्यू क्रिएट करता हूँ। तो सेक्शन व्यू क्रिएट करने के लिए हमारे पास होम टैब में ये प्रोफाइल एंड सेक्शन व्यू पैनल में हमारे पास सेक्शन व्यू है, क्रिएट मल्टीपल सेक्शन व्यू। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया है तो यहाँ पर ऑलरेडी जो हमारी रेफरेंस लाइन जिस पे हमारे कॉरिडोर क्रिएट हुए हुए हैं वो ऑलरेडी इसमें सेलेक्टेड है। अगर आपकी सिलेक्टेड ना हो तो आप यहां से इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे रोड सेक्शन ही है, ठीक है, मैं इसको एज इट इज ही कर रहा हूं। बाद में हम इसमें दूसरी फाइल से स्टाइल वगैरह इंपोर्ट करके भी देखेंगे कि ये ही सेक्शन जो है जब इसको कुछ स्टाइल अप्लाई करेंगे तो ये कैसे नज़र आते हैं। तो मैं इनको ड्राफ्ट में ही व्यू में ही क्रिएट कर रहा हूँ, शीट्स वगैरह मैं क्रिएट नहीं कर रहा इस पर, ठीक है। और जो भी हमारे इस पर सर्फेस वगैरह हैं सारे ऐड किए हुए हैं मैंने इसमें, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको जस्ट क्लिक करता हूँ, सेक्शन व्यू हमारे क्रिएट होना स्टार्ट हो गए हैं, थोड़े से टाइम में ये अपीयर हो जाएंगे। सेक्शन हमारे बन गए हैं, सेक्शन क्रिएट हो गए हैं। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे जो हैं सेक्शन सारे क्रिएट हो गए हैं। हम वन बाय वन इनको विजुलाइज कर लेते हैं थोड़ा, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे सेक्शन जो है हमारे क्रिएट हो गए हैं, ठीक है। सब एक्यूरेटली इसमें क्रिएट हो गए हैं, ठीक है। अभी सबसे पहले जो है हमने जो अपना कोड सेट स्टाइल क्रिएट किया था, ठीक है, अभी हम उसको अप्लाई करके देखते हैं क्या वो इस पर असाइन होता है या नहीं होता है, ठीक है। सेक्शन व्यू, ठीक है, और यहाँ पे जो है हमारे पास जो है ये कोड सेट था, ओके। फिलहाल मैं इन दो पे अप्लाई कर रहा हूँ,
अप्लाई, ओके अप्लाई, ओके। तो अभी हमने दो पे अप्लाई किया था, आप लोग देख सकते हैं कि ये कितने एक्यूरेटली हमारे जो लेबल हैं वो इस पे आ गए। मैं जूम करके दिखाता हूँ आप लोगों को, आप लोग देख सकते हैं ठीक है, यहाँ पे हमारे लेबल वगैरह जो हैं वो सारे इसमें लग गए हैं ठीक है। अभी हमारा यहाँ पे एक इस कॉरिडोर का जो लेबल है वो अभी नहीं आया, तो मैं उसको भी अप्लाई करता हूँ। एक मैंने जानबूझ के छोड़ा था यहाँ पे, ओके, और ये हमारा वो लेबल था, इसको मैं अप्लाई करता हूँ, ओके करता हूँ, तो यहाँ पे हमारे ये लेबल भी अपीयर हो गए हैं। लेबल हमारे आ गए हैं, अभी हमने इसका जो है वो मटेरियल कैलकुलेट करना है ठीक है। तो अभी ये वाले जो लेबल हैं, ये वाले लेबल, इनका हमने स्टाइल में कुछ फॉन्ट वगैरह सेट नहीं किया था, तो वो हम बाद में करते हैं, पहले हम इसका मटेरियल की जो कैलकुलेशन वगैरह है वो करते हैं ठीक है। तो मटेरियल कैलकुलेट करने से पहले मैं दिखाता हूँ आप लोगों को कि कैसे करेंगे हम लोग और इसमें क्या प्रॉब्लम्स आते हैं ठीक है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, और फिर कैसे उसको सॉल्व करना है वो भी हम देखेंगे। ग्रुप प्रॉपर्टी, ओके, यहाँ पे मेरे पास मटेरियल है, यहाँ पे मैं मटेरियल ऐड करता हूँ, मटेरियल हमारे पास कट ही है ठीक है। तो यहाँ वन बाई वन जो है हम इसको कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो मैं क्रिएट करूँगा वो मेरा रेफरेंस लाइन से ठीक है GMP तक होगा, रेफरेंस लाइन टू GMP, ओके। और यहाँ पे जो हमारा जो मटेरियल है ठीक है, मैं सेम नाम देता हूँ इसको, ओके, ताकि बाद में आइडेंटिफिकेशन में इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसके पास हमारे पास डिज़ाइन NGL है, ओके, और यहाँ पे हमारे पास ये HSR और GMP है ठीक है, इसको मैं ऐड करता हूँ। NGL जो है हमारा बिलो रहेगा और ये हमारा अबव रहेगा। अप्लाई, ओके, मटेरियल हमारा कैलकुलेट हो गया है ठीक है। हम देखते हैं अपने सेक्शन व्यू में, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो मटेरियल है वो कैलकुलेट होके आ गया है, एक सेक्शन का, एक कॉरिडोर का ठीक है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये हमारी रेफरेंस लाइन थी और ये GMT से यहाँ तक जो जो कट एरिया था वहाँ तक हमारा पूरा मटेरियल जो है वो क्रिएट होके आ गया। इसके स्टाइल जो है हम एक ही दफ़ा सेलेक्ट करेंगे ताकि वो बार बार जो है हमें हमारा टाइम वेस्ट ना हो। तो अभी हमारा ये जो मटेरियल है अभी हम इसको कैलकुलेट करते हैं ठीक है। ये हमारा क्या है, ये 45 मीटर के बाद का मटेरियल है ठीक है, और यहाँ पे सेम प्रोसीजर है, ग्रुप प्रॉपर्टी, ओके, और ऐड मटेरियल, ओके। ये हमारा आफ्टर 45 मीटर है फ्रॉम सेंटर लाइन, ओके, फ्रॉम रेफरेंस लाइन। मैं इसको कॉपी करता हूँ, ओके, और यहाँ पे जो है मैं इसमें दो मटेरियल ऐड करता हूँ, ओके, ये है हमारा मटेरियल है वो ठीक है। और यहाँ पे जो NGL है हमारा वो बिलो रहेगा और ये अबव रहेगा, ओके। इसको मैं जो कट का भी नाम दे सकता हूँ, फिलहाल मैं रहने देता हूँ इसको कट, फिर बाद में हम इसको कर लेंगे, ओके। और यहाँ पे जो मटेरियल है, यहाँ पे मैं इसको मटेरियल अब इसे असाइन कर देता हूँ ताकि हमारा जो है बार बार टाइम वेस्ट ना हो। ओके, ये हमारा GMT वाला था, ओके, और इसको मैं अप्लाई करता हूँ, ओके करता हूँ। मटेरियल हमारा कैलकुलेट हो गया है, हम इसको विजुलाइज करते हैं।
आप लोग देख सकते हैं दो मटेरियल हमारे कैलकुलेटर हो गए। अभी हमारा ये जो तीसरा मटेरियल रह गया है इसके लिए जो है हमें थोड़ी सी एडिशनल वर्किंग करनी पड़ेगी, क्योंकि इसके लिए हमारे पास जो डे लाइट है वो कोई डे लाइट नहीं है हमारे पास, ठीक है। और इसके लिए अगर हम ये वाली डे लाइट यूज़ करें तो इससे हमारा मटेरियल ये कैलकुलेटर नहीं होगा, ठीक है। तो इस मटेरियल को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे मैं बताता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे मैं प्रॉस्पेक्टर टैब में आ गया, ठीक है। यहाँ पे मैं सरफेस में आता हूँ और मैं एक न्यू सरफेस इसमें क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। ये हमारी सरफेस है होल्ड एरिया की, ओके। यहाँ पे मैंने एक सरफेस क्रिएट की है, एम्प्टी है अभी तक, होल्ड एरिया, ओके। इसके मैं डेफिनेशन कैलबरी को एक्सपेंड कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं ईटर में आता हूँ और यहाँ पे मैं इस पर पेज सरफेस करता हूँ। जैसे मैं पेज सरफेस पे आता हूँ तो मेरे पास सबसे पहले जो है एनजीएल की सरफेस है, मैं इसको पेस्ट करता हूँ। सरफेस हमारी पेस्ट हो गई है, ठीक है। अभी फिर मैं इसमें आता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट सरफेस करता हूँ और यहाँ पे मैं इस पर टॉप 45 मीटर जो है इसको मैं पेस्ट करता हूँ, ओके। उसके बाद मैं फिर इसी में ऑप्शन में जाता हूँ और पेज सरफेस, और यहाँ पे अभी जो है हमारा ये जो एच एस आर और जी एम टी की टॉप सरफेस है इसको मैं पेस्ट करता हूँ। सरफेस हमारी बन गई है, ठीक है। अभी इस सरफेस को हमने आपने इस पोर्शन में ऐड करना है, ओके। तो मैं किसी एक सैंपल लाइन को सिलेक्ट करता हूँ यहाँ से, ठीक है। ये मैंने सैंपल लाइन को सिलेक्ट किया, सैंपल मोर सोर्सेस, और यहाँ पे ये जो होल्ड एरिया की सरफेस है, ठीक है, मैं इसको ऐड करता हूँ। तो ये होल्ड एरिया वाली सरफेस जो है ये इसमें आ गई है, ठीक है। इसका जो स्टाइल है वो मैं बाद में चेंज करता हूँ, मैं जस्ट इसको ओके कर रहा हूँ। सरफेस हमारी ऐड हो रही है, इसमें थोड़ा सा टाइम लेगा। सरफेस हमारी ऐड हो गई है इसमें, ठीक है। अभी जो है मैं क्रॉस सेक्शन व्यू में आता हूँ, ठीक है, क्रॉस सेक्शन व्यू, ठीक है। और यहाँ पे जो है ग्रुप प्रॉपर्टी, यहाँ पे मैं एक और मटेरियल ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। ये मटेरियल मेरा है होल्ड एरिया, ओके। होल्ड एरिया में भी हमारा कट है, यहाँ पे जो है हमने जो कट और फिल कैलकुलेट करना है, होल्ड एरिया, ओके, और ये हमारी एक सरफेस है 45 मीटर टॉप की, ओके। ये होल्ड एरिया की टॉप सरफेस है, इसको मैं ऐड कर रहा हूँ, ओके। यहाँ पे जो है हमारा जो होल्ड एरिया है, ठीक है, इसको हम चेक कर लेते हैं, ठीक है, कि ये कैसे होगा। इसको मैं बिलो रखता हूँ और इसको मैं अबव रखता हूँ, अप्लाई करता हूँ, ओके करता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं मटेरियल हमारा कैलकुलेट हो गया है बड़ा एक्यूरेटली। सेक्शन हमारा प्रिपेयर हो गया है, ठीक है। इसमें जस्ट एक स्टाइल देना बाकी है इसका, क्या आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। ये जो होल्ड एरिया है वाइट कलर में आप लोगों को नज़र आ रहा है, ठीक है, ये होल्ड एरिया है, ठीक है। इसका हैच का आप कलर स्टाइल चेंज कर सकते हैं, जैसे ये हमने चेंज किया है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम इसका क्वान्टिटी टेक ऑफ पे बात करेंगे इंशाल्लाह। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।